अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तुलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो देखिए प्यारे बच्चों, जसामत और समाई जिसको कहा जाता है, यहाँ पर एक बच्चा जो है वो देख रहा है और उसकी माँ यहाँ पर देखिए कप के अंदर मिल्क डाल रही है या फिर टी डाल रही है। तो ध्यान में रखिए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मिल्क डाल रही है। तो अमित मॉम, हैव यू डिवाइड 1 liter of milk equally among all the cups? तो मदर यस। अमित, हाउ डू आई मेजर द मिल्क इन ईच कप? किस तरह से आप हर प्याली के अंदर दूध डालेंगे? मदर, अ लिक्विड लेस देन 1 liter इज मेजर इन millimeters। यहाँ पर वो कहते हैं कि 1 liter से कम मैं चीज को मिलीलीटर में नापते हैं। तो देखिए, This is a bag of milk. It has 1 liter written on it. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, सकस का ये दूध है, यहाँ पर लिखा हुआ 1 liter. तो 1 liter is 1000 millimeters. 1000 milliliters. तो ध्यान में रखिए, तो वाटर जो रहता है प्यारे बच्चों, वाटर मिल्क वगैरह, उसको मिलीलीटर्स लीटर्स में नापा जाता है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए अमित क्या कह रहे हैं वापस से। अमित यहाँ पर कहते हैं, इफ 1000 millimeters ऑफ मिल्क इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 10 cups, ईच कप विल हैव 100 millimeters, इट्स दैट राइट। वहाँ पे कहते हैं कि 1000 milliliter दूध 10 प्यालियों में बराबर बांट दिए, इसका मतलब है कि हर प्याली में 1000 milliliter दूध है। ये हर 100 millimeter हर प्याली में दूध है, यही ना वो कहना चाहता है कि इस तरह से 100 100 के अगर 10 parts किए तो 1 liter हो जाता है। बिल्कुल सही इस तरह से। तो देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिए, अब आगे चलते हैं। अब मॉम यहाँ पर उस बच्चे को यहाँ पर जो दवा की जो बॉटल है वो यहाँ पर बता रही है। ध्यान में रखिए, इस पर एक नाप रखा हुआ रहता है, जिसे बॉटल के ऊपर ये देखिए 10 milliliters 5 milliliters यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर है। तो देखिए वो क्या कह रही है कि डेयरी में मैं जब जाता तो वहाँ दूध देने के छोटे छोटे नाप रखे होते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर जो सेकेंड एग्जांपल, यहाँ पर डेयरी मिल्क की दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखते प्यारे बच्चों, अब हम चाहते हैं वो नाप कौन कौन से हैं, उसको किस तरह से गिना जाता है, ये यहाँ पर देखेंगे। तो मम्मी ने यहाँ पर सबसे पहले जो दवा की बॉटल यहाँ पर बताई कि 5 milliliter और 10 milliliter। तो अभी प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है वो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 1 liters, 500 milliliters, 200 milliliters, 100 milliliters, उसके बाद 50 milliliters, इस तरह से ये छोटे छोटे नाप होते हैं। तो ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों, इनकी मदद से हमको दूध वगैरह दिया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट, तो एक्सरसाइज देखते तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, 1 liter इज इक्वल टू 1000 milliliters, 4 liters मीन्स 4000 milliliters, 2 liters इज इक्वल टू देखिए 2 × 1000 इज इक्वल टू 2000 milliliters। उसी तरह से 15 liters है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, 15 × 1000 किए तो 15000 milliliters यहाँ पर आंसर रहेगा। उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपको कुछ क्वेश्चन लिखने के, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर इस तरह से कि हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 3¾ liters, यानी 4.25 liter में कितने मिलीलीटर होंगे। तो बहुत ही आसान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 liter यानी कितने मिलीलीटर। तमाम सवाल प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करने के हैं। अगर कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आप दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए क्वेश्चन के आंसर, यहां पर मैंने लिखा हो हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 3¾ liters, तो 3750 milliliters। हाउ मेनी लीटर्स मिलीमीटर्स आर देयर इन 1½, तो 1500 milliliters। उसी तरह से 1¼ liters में 1250 milliliters, तो मिलीलीटर्स में देखिए यहाँ पर। उसी तरह से
which measure will be used to pour the 3.5 liters of milk and how many times will they be used? यानी यहाँ पर देखिए उसने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए 1 लीटर का 3 मरतबा और फिर 500 मिलीलीटर यानी ये है इसका 3 मरतबा इस्तेमाल होगा और ये 1 मरतबा इस्तेमाल हो जाएगा इस तरह से प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये देखिए खाका यहाँ पर भरने का, ये हाउ मेनी टाइम्स मेजर यहाँ पर हमको लिखने का है 1 लीटर करना है, तो 200 मिलीलीटर का 5 टाइम्स, 50 मिलीलीटर का 20 टाइम्स, 100 मिलीलीटर का 10 टाइम्स और 500 मिलीलीटर का 2 टाइम, इस तरह से प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है। तो चलिए उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर दीजिए।